liberty cannot be preserved without general knowledge among the people. Good afternoon to all. A warm welcome in online GK class. Students, today we are going to start our chapter, that is chapter number 6, famous bridges. Modern bridges are constructed to span physical obstacles and provide easy passage. Most famous bridges in the world have various features that make them distinct among other all over the world. Means आधुनिक जो है modern bridges, आधुनिक bridges मतलब पुल. पुल क्या होता है बेटा? ब्रिज जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम यूज करते हैं पैसेज. आधुनिक पुलों का निर्माण फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्टेकल्स, मींस बाधाएं, भौतिक बाधाओं को दूर करने और आसान पैसेज को आने जाने का मार्ग जिसे हम कहते हैं प्रदान करने के लिए किया गया है, जो दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध ब्रिजेस को दूसरों से अलग बनाते हैं. मीन्स जो दूसरों से अलग कैसे होते हैं, ब्रिज तो सारे ब्रिजेस होते हैं लेकिन अलग ऐसे होते हैं, उनकी कुछ अलग इम्पोर्टेंस होती है, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट, इट इज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को एंड इज द सिटीज मोस्ट फेमस अट्रैक्शन. द ब्रिज टुक 7 ईयर्स टू बिल्ड एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1937. द फेमस रेड ऑरेंज कलर इन द ब्रिज वॉज स्पेसिफिकली chosen to make the bridge more easy visible through the thick fog. Means, ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है और शहर का सबसे प्रसिद्ध अट्रैक्शन है. मीन्स लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं. जब अट्रैक्शन मतलब एक देखने की ब्रिज देखने के लायक है. पुल को बनने में कितने लगे? 7 ईयर्स लगे और 1937 में बनकर ये रेडी हुआ, तैयार हुआ. पुल में प्रसिद्ध जो कलर है वो कौन सा है? रेड ऑरेंज कलर है इसमें स्पेसिफिकली. मींस विशेष रूप से, स्पेसिफिकली मतलब विशेष रूप से. और इसका कलर ऐसा क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया जिससे जब थिक फॉग होता है यानी कोहरा होता है, घना कोहरा, उसमें पुल जो है दूर से ही आसानी से विजिबल हो, दूर से ही दिखे. स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इमेज ऑफ ब्रिज ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. कौन सा कलर है? रेड ऑरेंज कलर है. ओके, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अपॉन इट्स कंप्लीशन इन 1937, इट वॉज द टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड. द गोल्डन गेट ब्रिज केम to be recognized as a symbol of the power and progress of the United States. This is the most important thing in this Golden Gate Bridge. What? That it is a symbol of power and progress of the United States. And it set a precedent for suspension bridge design around the world. So, your answer is B. Golden Gate Bridge. Now, second. It is a 200 meter long bridge crossing the Reuss River in the city of Lucerne in Switzerland. It is the oldest wooden covered bridge in Europe and one of the Switzerland's main tourist attraction. It was designed to protect the city of Lucerne from attacks. Means, ye jo bridge hai, ye Switzerland mein hai aur 204 मीटर लंबा पुल है. यह सबसे पुराना लकड़ी से ढका हुआ स्विट्जरलैंड का जो क्या है मेन अट्रैक्शन है, मीन्स टूरिस्ट अट्रैक्शन है. मीन्स जो टूरिस्ट आते हैं वो इसे जरूर देखते हैं, ये बहुत वो है. और इसका मेन क्या है, अट्रैक्शन क्या है कि ये वुडन वुड से कवर्ड है, मीन्स ये वुडन है. और ल्यूसन इट वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सिटी ऑफ ल्यूसन फ्रॉम अटैक्स. और ल्यूसन को हमलों से बचाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था. लुक एट द पिक्चर, देख लिया? योर आंसर इज डी, चैपल ब्रिज. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रिज इज दिस ब्रिज इज फेमस इन द 14th सेंचुरी.
And for the Chapel Bridge is famous for the painted roof panels that depict the most important events from the Swiss history. This famous monument of Lucerne is a favorite with photographers. So your answer is D, Chapel Bridge. Now third, built from 1886 till 1894, this symbol of London is a combined bascule and suspension bridge in London. It is built over the River Thames. The bridge consists of two towers which are tied together at the upper level by means of two horizontal walks. Means 1886 se 1894 tak nirmit bana hua London ka yeh pratik means symbol hai ye. London mein ek combined bascule और सस्पेंशन ब्रिज है ये. ओके, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस कि एक सिंबल है और 1886 से 1894 तक ये बना. ये थेम्स नदी के ऊपर बना हुआ है. पुल में दो टावर है. द ब्रिज कंसिस्ट ऑफ टू टावर्स. दो टावर हैं जो दो तरीके से दो तरफ से बंधे हुए हैं और पैदल मार्गों के मध्यम में ऊपरी जो ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल वॉक मतलब अपर लेवल है जो इसका ऊपर का जो मार्ग है वो टू हॉरिजॉन्टल वॉक्स उसमें चलने के वो काम आता है और एक साइडों से दोनों तरीके से वो बंधे हुए हैं. यस, योर आंसर इज टावर ब्रिज. और इस टावर ब्रिज को क्या बोलते हैं, लंदन ब्रिज भी कहा जाता है. लंदन ब्रिज इज अ ब्रिज ओवर द रिवर थेम्स. इट इज इन सेंट्रल लंदन एंड कनेक्ट्स द सिटी ऑफ लंदन विद साउथवर्क. इट इज बिटवीन कैनन स्ट्रीट रेलवे ब्रिज एंड टावर ब्रिज. इट वॉज प्रीवियसली द ओनली ब्रिज ओवर द थेम्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम किंगस्टन अंटिल पुटने ब्रिज ओपन इन 1729. सो योर आंसर इज टावर ब्रिज. फोर्थ, इट इज इंडियाज फर्स्ट एसिमेट्रिकल कैंटिलीवर स्पार केबल स्टेट ब्रिज विद स्पैन्स द यमुना रिवर एट वजीराबाद सेक्शन कनेक्टिंग वजीराबाद टू ईस्ट दिल्ली. द पायलन ऑफ द सिग्नेचर ब्रिज इज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन दिल्ली एंड इज डबल्ड द हाइट ऑफ कुतुब मीनार विद इट्स 154 मीटर हाई व्यूइंग box. It is made up of steel and concrete with the length of 675 meters. Means ये जो ब्रिज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिया का ब्रिज है. ये भी एक फेमस इंडिया का भी जो ये ब्रिज है फेमस ब्रिज में आता है, काउंटिंग होती है इसकी. ये भारत का पहला एसिमेट्रिकल कैंटिलीवर स्पर केबल स्टे ब्रिज है जो वजीराबाद सेक्शन में यमुना नदी तक फैला है जो वजीराबाद को ईस्ट दिल्ली से जोड़ता है. और यह 675 मीटर की लंबाई के साथ स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है. यस, योर आंसर इज सिग्नेचर ब्रिज. नाउ फिफ्थ, इट इज अ स्टील आर्क ब्रिज अक्रॉस द सिडनी हार्बर. द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द ब्रिज with the harbour and the Sydney Opera House form a wonderful skyline of the city. It is one of Australia's most well-known and photographed landmark. Means, आपको पता चल गया होगा ये कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया में है. ये सिडनी हार्बर पर बना स्टील का एक आर्क जिसे बोलते हैं आर्क की तरह बना हुआ है. इसकी जो शेप है वो आग की है. ये ओपेरा हाउस सिडनी ओपेरा हाउस के साथ एक हार्बर मीन्स बंदरगाह के साथ पुल का सुंदर दृश्य शहर का एक बहुत ही क्या कहते हैं वंडरफुल स्काईलाइन है. मीन्स एक बहुत ही अच्छा सा एक क्या बोलते हैं मतलब एक अट्रैक्शन है. यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध और फोटो खिंचवाने वाले लैंडमार्क में से
एक है, मीन्स जो भी यहाँ जाता है वो यहाँ पे फोटोग्राफ जरूर कराता है, ये एक मेन अट्रैक्शन है फोटोग्राफ का. सो योर आंसर इज सिडनी हार्बर ब्रिज. अनदर इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन से अनदर थिंग अबाउट दिस ब्रिज इज इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज अ मेजर इवेंट इन ऑस्ट्रेलियाज हिस्ट्री. इट्स ओपनिंग इन 1932 वॉज पिवोटल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिडनी एंड अ फोकस फॉर नेशनल ऑप्टिमिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म? मीन्स आशावादी. इन द डेथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. सो योर आंसर इज सिडनी हार्बर ब्रिज. सिक्स, विद अ स्ट्रक्चर हाइट ऑफ 343 मीटर्स दिस ब्रिज इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड. इट वॉज ओपन इन 2004. इट इज फोर लेन ब्रिज दैट स्पैन्स द वैली ऑफ द रिवर टान नियर मलाओ इन सदर्न फ्रांस. मीन्स 343 मीटर और 1125 फीट की ऊंचाई वाला यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा मीन्स टॉलेस्ट पुल है ये. इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि बहुत ही टॉलेस्ट है ये. इसे 204 में बनाया गया था, खोला गया था, इसे बनाया नहीं गया था, खोला गया था. यह फोर लेन का ब्रिज है ये. इट इज फोर लेन ब्रिज, फोर लेन का ब्रिज है जो क्या कह सकते हैं सदर्न फ्रांस में मिलाओ के पास तरन नदी की घाटी तक फैला हुआ है. सो योर आंसर इज सी मिलाओ वायडक्ट ब्रिज. द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वायडक्ट ब्रिज इज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मॉडर्न आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग मार्वल्स. सो योर आंसर इज सी मिलाओ वायडक्ट ब्रिज. सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव लर्न टुडे, टुडे वी हैव लर्न अबाउट फेमस ब्रिजेस ऑफ द वर्ल्ड. टुडे वी हैव लर्न सिक्स अबाउट द सिक्स फेमस ब्रिजेस. हियर योर चैप्टर एंडेड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.